शुरुआत करते दिल्ली स्पेशल की। दिल्ली कूड़ा कूड़ा हो चुकी है। एमसीडी के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 12वां दिन है और सफाई कर्मचारी अपनी मांग पूरी ना होने तक हड़ताल करते रहने पर अड़ गए हैं। वहीं सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से दिल्ली की हालत बद से बदतर हो रही है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से दिल्ली की सफाई व्यवस्था किस तरीके से बिगड़ गई है, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी कुलदीप शर्मा ने। एमसीडी के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है और आज सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का 12वां दिन है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से दिल्ली के हालात दिन पे दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं और इस हड़ताल की वजह से दिल्ली की सड़कों पर जगह जगह कूड़े और कचरे का ढेर लग गया है और ये कूड़े कचरे के ढेर दिल्ली वालों के लिए इस वक्त एक बड़ी मुसीबत बन गए हैं। हम इस वक्त दिल्ली के सीलमपुर इलाके में हैं और ये सीलमपुर की एक मेन पुलिया मानी जाती है जहां से हर रोज हजारों लोगों का गुजरना होता है, लेकिन हड़ताल की वजह से आप देख सकते हैं कि ये पुलिया कह सकते हैं कि एक तरीके से एक कूड़ा घर में तब्दील हो गई है। इस पुलिया का बड़ा हिस्सा कूड़े कचरे से भरा हुआ है जिसका असर यहाँ से गुजरने वाले हर इंसान पर पड़ रहा है, चाहे कोई गाड़ी चलाने वाला हो या फिर यहाँ से गुजरने वाला हो। हालात कुछ इतने बदतर है कि यहाँ पर कुछ सेकेंड रुक पाना भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि बदबू यहाँ पर जबरदस्त पड़ रही है। जिन लोगों को यह कूड़ा उठाना है, जिनको दिल्ली को साफ करना है, उनकी जिनकी जिम्मेदारी है, वो खुद मेरे साथ मौजूद है, संजय गहलोत, सफाई कर्मचारी नेता। संजय जी, आप लोगों की जिम्मेदारी है तो क्यों ना आप लोगों को भी दोष दिया जाए कि आपकी वजह से दिल्ली वाले इस हालत में जीने को मजबूर है। देखिए, हम स्वीकार करते हैं कि सफाई व्यवस्था की हमारी जिम्मेदारी है और आज हालत ये बन गए हैं। हम स्वयं सफाई कर्मचारी हैं, रोज हम लोग सफाई काम करते हैं, लेकिन हम लोगों से भी यहाँ खड़ा नहीं हुआ जा रहा तो पब्लिक जो आम पब्लिक को कैसे खड़ी हो पा रही होगी। लेकिन देखिए, हम मजबूर हैं। बड़े दुख के साथ बताना चाह रहा है कि आज हमारी हड़ताल का 12वां दिन है। ना तो दिल्ली सरकार ने कोई वेतन देने का इंतजाम किया गया है, ना हम लोगों को पक्का करने का आश्वासन दिया गया है, ना ही इसके अलावा जो हमारे रिटायरमेंट कर्मचारी है जिन्हें 4000 साल हो चुके रिटायर होंगे उनकी पेंशन ही बंद कर दी है, मेडिकल कैशलेस कार्ड हमारे पास नहीं है। लिहाजा हम लोग मजबूर हैं। हम दिल्ली की जनता से माफी चाहते हैं कि देखिए, या तो मुख्यमंत्री साहब हमारे जो निगमों को बकाया है वो पैसे दे दे, हमारा पैसे मिल जाएगा, फंड मिल जाएगा, तनख्वाह मिलने शुरू हो जाएंगी, हमारे बकाए एरे मिल जाएंगे, हम अपनी हड़ताल समाप्त कर लेंगे। लेकिन एमसीडी तो कह रही है हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, हमारा तो खजाना खाली पड़ा है बिल्कुल, दिल्ली सरकार ने पैसा ही नहीं दिया। देखिए, हम तो ये कहते हैं कि केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए और निगमों को भंग कर देना चाहिए। जिस प्रकार भाजपा के मुख्य जो प्रमुख है मनोज तिवारी जी, उन्होंने कहा था निगम चुनाव से पहले, मैनिफेस्टो में कहा था कि हमें जिता दीजिए आप लोग और हम आपको निगम को तीनों को एक कर देंगे या केंद्र सरकार डायरेक्ट पैसे दे देंगे, लेकिन ये दोनों सरकारें बिल्कुल नाकामयाब रही हैं। इसलिए हम मजबूर होकर हड़ताल जैसे कदम उठाने में मजबूर हैं। दिल्ली की जनता से दोबारा माफी चाहते हैं, ये पैसा मिल जाएगा हमारा, लोग पक्के होने शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद हम इस चेक कॉलअप कर लेंगे, उससे पहले हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी है वो अब ये चाहते हैं कि अगर ये हड़ताल तुड़वानी है तो केंद्र सरकार को इसमें दखल देना होगा। बहरहाल, जब तक ये हड़ताल जारी रहेगी तब तक दिल्ली वालों को इसी कूड़े कचरे और इस बदबू के बीच जीने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कैमरामैन राकेश के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज, दिल्ली। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को खत्म करने के बजाय दिल्ली सरकार और एमसीडी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं। नेताओं की इस राजनीति की कीमत दिल्ली की जनता को कूड़े और बदबू के बीच रहकर चुकानी पड़ रही है। हड़ताल को लेकर दिल्ली वालों की क्या राय है और वो दिल्ली की ऐसी हालत के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं, दिल्ली वालों से सुनते हैं। सफाई कर्मचारियों की वजह से दिल्ली की हालात बद से बदतर हो गई है और दिल्ली कूड़ा कचरा हो गई है सब जगह से। लोगों को इस हड़ताल से क्या परेशानी हो रही है उस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ लोग हैं। कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को इस हड़ताल? यहाँ पे बहुत परेशानी है, दोनों सरकार क्या कर रहे हैं किसी को कुछ समझ में नहीं आती। किसी को भी तनख्वाह नहीं मिलेगा वो काम कैसे करेगा? ये जितना नेता बैठे हुए बिना पैसे के काम कर रहे हैं, आप इनसे पूछो कौन सा नेता बिना पैसे का काम कर रहा है, जो ये लोग बिना पैसे का काम कर रहे हैं। आपको इस माहौल में जीने के लिए मजबूर करने के लिए कौन जिम्मेदार है भाई? ये सरकार, दिल्ली सरकार जिम्मेदार है और ये समझो महामारी फैलने के कगार पे खड़े हुए हैं हम लोग। इतनी बदबू आ रही है यहाँ से वहाँ तक, सारी गलियाँ भरी पड़ी है। दिल्ली सरकार इनका पैसा दे दे, कम से कम ये सफाई तो हो। एमसीडी जिम्मेदार है इसकी पूरी तरीके से। हड़ताल टूट जाएगी और सफाई होगी, टाइम से हमारे जो है एमसीडी को पैसा मिलता रहेगा तो सफाई होती रहेगी, नहीं तो ऐसे गंद फैलेगा। ये सरकार ही निकम्मी आई है, दिल्ली सरकार ये पैसे देने को राजी नहीं है। आप मान रहे हैं कि दिल्ली सरकार की वजह से एमसीडी पैसा नहीं दे पा रही? हड़ताल टूट जाएगी उसी टाइम,
हम टाइम से हमारी तनख्वाह देते रहो, एरियल हमारा एरियल दो। कैसी कैसी दिक्कतें हो रही है इस हड़ताल? ऐसी परेशान के घर घर में आप जाके देखिए, गंदा गंदा पानी आ रहा है, बिल्कुल गंदा नालियों का पानी आ रहा है, बच्चे बीमार पड़े हैं, आने जाने को परेशान। जब कर्मचारी को पैसा नहीं मिलेगा तो ये अपने बच्चे कहाँ से पालेंगे? ऐसी इस्तीफा मां चौथ को मैं कह रही हूँ, बिल्कुल इस्तीफा लेना चाहिए दोनों पार्टियों को, चाहे दिल्ली सरकार की हो, केजरीवाल को और ये मोदी को। बिल्कुल निकम्मी सरकार है, घर घर जाके देखिए कोई कभी ना ऐसा इंसान नहीं है जो निकल पाएगा कि 2 रुपए की सब्जी खरीदने भी जाए। जब कर्मचारी को कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी तो अपने बच्चे कैसे पालेंगे? घरों से कूड़ा नहीं उठ रहा है? नहीं, 12 दिन होगा, पूरे दिन हड़ताल पर पड़े, आज इनको पैसा मिल जाए, आज ही हमारी अधिकतर घर में सफाई हो जाएगी। बिल्कुल, यहाँ साफ साफ लोग दोनों सरकारों को जिम्मेदार मान रहे हैं दिल्ली की हालत के लिए, चाहे वो MCD हो चाहे वो दिल्ली सरकार। और लोगों को साफ लगता है, दिल्ली वालों को साफ लगता है कि इस हालात के लिए कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो जिम्मेदार है, और उस राजनीति में दिल्ली वाले पिसने को मजबूर है। कैमरामैन राकेश के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।